क्या पीरियड आना इस बात का पुख्ता सबूत है कि हम प्रेग्नेंट नहीं हैं। इस तरह के आप लोगों के काफ़ी सवाल आते रहते हैं, अगर हमारा पीरियड आ गया है तो हम अब प्रेगनेंसी के हमें चांसेस हैं या नहीं हैं, अब बिल्कुल हम टेंशन फ्री हो सकते हैं क्या। इस तरह के काफ़ी आप लोगों के सवाल आते हैं कि पीरियड आ जाना इस बात का पुख्ता सबूत है कि अब हम प्रेग्नेंट नहीं हैं या फिर प्रेगनेंसी नहीं है। इस वीडियो में जानेंगे क्या है सच्चाई क्या नहीं है, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो देखिए, आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना होगा, देखिए वो क्या कि देखिए अगर आपको जो पीरियड आ रहा है उसमें अगर फ्लो कम दिख रहा है ना, आपको पीरियड आ गया, अपने डेट पे पीरियड आ गया लेकिन उसमें फ़्लो आपको पहले से कम दिख रहा है ना, काफ़ी ड्रॉप में आ रहा है और ब्लीडिंग खुल के नहीं आ रही है, तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर आपको ड्रॉप में ब्लीडिंग हो रही है तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि जिसे हम बच्चा लगने वाली ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये आपको ध्यान देना होगा, नोटिस आपको करना होगा, है ना, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो पीरियड के डेट के आसपास होती है या फिर पीरियड के डेट के जिस दिन आपका पीरियड का डेट है उस दिन होती है या फिर एक दो दिन आगे पीछे हो सकती है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इस तरीके से होगी, आपको काफ़ी कम होगी और जिस तरीके से आपको पहले फ्लो आता था वैसा नहीं होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं आप, यानी कि ब्लीडिंग के चलते भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप प्रेगनेंसी टेस्ट अच्छे से कर लीजिए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। मॉर्निंग के यूरिन से कीजिए, जब आप उठती हैं रात भर का यूरिन जो स्टोर रहता है उससे आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, यहाँ पर आपको रिजल्ट एकदम सही मिलेगा। और दूसरा चीज़ यहाँ पर ये नोटिस करना है कि आपका जो पिछले महीने लास्ट पीरियड आया था, है ना, जैसे मान के चलते हैं पिछले महीने आपको पीरियड की डेट थी 16 तारीख, 16 आपकी भी कोई भी तारीख हो सकती है, जैसे कोई भी तारीख हो सकती है, मैं यहाँ पे एग्जांपल पे 16 तारीख ले रही हूँ। तो 16 तारीख के बाद आपने बीच में रिलेशन बनाया, अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है इस बीच में किसी भी दिन, है ना, तो यहाँ पर ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं आपके जो पीरियड डेट होती है उससे 14 दिन क्या पहले क्या होता है, ओविलेशन, है ना, तो ओविलेशन के दौरान या फिर उसके नज़दीक आपका रिलेशन बना होगा विदाउट प्रोटेक्शन के साथ, तो ये प्रेगनेंसी लगने वाली ब्लीडिंग यानी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये आपको खुद ध्यान देना होगा, सोचना होगा कि हमने लास्ट पीरियड के बाद रिलेशन तो नहीं बनाया बीच में, यानी कि विदाउट प्रोटेक्शन के साथ, प्रोटेक्शन के साथ कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपने विदाउट प्रोटेक्शन के साथ रिलेशन बनाया होगा तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये दो चीज़ें तो आपको ही नोटिस करनी होंगी कि हमने रिलेशन बनाया था या नहीं बीच में, या फिर जो ये फ्लो आ रहा है वो कम तो नहीं आ रहा है ना। तो ये दोनों ही अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसके लिए आपको एक प्रेगनेंसी टेस्ट करना रहेगा। आपका प्रेगनेंसी जो पीरियड डेट है वो निकल जाता है, उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, या फिर पीरियड के चलते जो ब्लीडिंग हो रही है हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो रही है तो उसके चलते भी आप कर सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, उस पर रिजल्ट आपको मिल जाएगा आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है, है ना, समझ में आ जाएगा कि ये पीरियड था या क्या है। इसके अलावा अगर आपको समझ में नहीं आता या हल्की लाइन भी आती है तो 3-4 दिन बाद वेट कीजिए, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट सुबह के टाइम पर कीजिए आप, तो वहाँ पर आपको रिजल्ट सही मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे, कोई भी डाउट है इस तरह के तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।